फांसी लगे तो पहले पंडेरू को, बाद में कोली को। मैन दोषी मालिक है, तो हमें भी सब परिवार को उसके हवाले कर दे, जैसे हमारे बच्चों के साथ किया था उसने, ऐसे हमारे साथ कर लेगा। जैसे एक धोबी था तो उनके जहर ही पता चला था कि हाँ उस घर में कुछ ऐसा गलत काम हो रहा है। उसके बाद फिर सबको पता चल गया, फिर पुलिस आई, कार्रवाई हुआ, फिर इसको सील कर दिया गया। मंजूर पंडा जिसके घर में डॉक्टर लोग आते ही रहते थे, लेकिन हमें क्या पता, तो इसको जब पूछते थे कैसे आए डॉक्टर, क्या हुआ, कहते साहब की माँ जो है बीमार है, और ताकि माँ कोई कभी हमने देखा ही नहीं। अब तो खाली फैसला ऊपर वाले के हाथ है,